झारखंड से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, हर तरफ सिर्फ ईडी की कार्रवाई। और इस कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि हेमंत सोरेन को भी लगभग कई बार, कई घंटे तो वो लापता थे, आज जाके तो उनके घर। देखिए, इस देश में मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी के नेता, हाँ, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री है और उनको बीजेपी ने नहीं नियुक्त किया, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनी में है, आपने लोगों को राजकोट के मनसुख भाई को नियुक्त किया है ना उधर, हाँ, क्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, वैसे उनको नियुक्त नहीं किया है ना, लोगों ने चुनकर दिया है हेमंत सोरेन जी को। हेमंत सोरेन जी के पास बहुमत है, लोगों ने उनको चुन कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लोगों ने चुना हुआ मुख्यमंत्री है, आप उनके साथ या आपकी एजेंसी जो आपके गुलाम बन गई है, जिस तरह से बर्ताव करती है, ये देश का लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही से भी ऊपर चल रहा है ये देश। चंडीगढ़ में कल क्या हुआ आपने देखा ना, ये आपका लोकतंत्र है। 8 जो मतपत्रिका है वो आप डिस्क्वालीफाई करते हो, 8, क्योंकि आपको बीजेपी का मेयर को चुनकर लाना है। आपने तो सीता का अपहरण कर दिया राम भक्तों ने यहां चंडीगढ़ में। लोकशाही लोकतंत्र को हम पवित्र सीता का दर्जा देते, अब तक तो सीता का हरण रावण करते थे, लेकिन आप अपने आप को राम भक्त मानने वाले लोग सीता का अपहरण करने लगे। वो अपहरण सीता का हमने चंडीगढ़ में देखा है, कल पूरे देश ने देखा है किस तरह का लोकतंत्र है। हेमंत सोरेन के बारे में इतना ही कहूंगा कि हेमंत सोरेन झुकने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार जैसी पलटी मारने को तैयार नहीं, केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन पलटू राम बनने को तैयार नहीं, उसकी कीमत वो लोग चुका रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक उनके साथ खड़ा है मजबूती से। सर, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पलटू राम, हालांकि आपने कहा, लेकिन हर की अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी तलवार लटक रहे हैं। मैंने ये कहा ना, ये लोग अरविंद जी हो, हेमंत जी है, हम सब है, महाराष्ट्र में भी उनकी बात चल रही है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, करो ना, लेकिन हम लोग आपको जैसे चाहिए वैसे पलटू राम नहीं बनेंगे। सर, आपको ईवीएम का भी जिक्र किया, अब तो हालांकि ईवीएम को लेकर सवाल सुने रहे लोकसभा चुनाव से पहले, हालांकि ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। उत्तर प्रदेश के चंदौल में 300 ईवीएम मशीन एक दुकान में मिली, आपको मालूम है? आसाम में एक कार से 400 ईवीएम मिली है, आपको मालूम? और ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है सरकारी, उसके ऊपर 4 डायरेक्टर्स बीजेपी के लगाए गए, जहां जो सीक्रेट कोड बनता है ईवीएम में देने के लिए, वो भी वहां बनता है, और वो भी डायरेक्टर्स में से ज्यादातर डायरेक्टर गुजरात से है, ये भूलो मत आप। 2024 में चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा उसकी ये तैयारी है। 2 पैटर्न और 2 फार्मूला है, एक मनसुख भाई फार्मूला जो ईवीएम के डायरेक्टर बन गए, और दूसरा चंडीगढ़ फार्मूला। जीता है आप और कांग्रेस ने इलेक्शन जीता है, फिर भी बीजेपी मानने को तैयार नहीं, मत पत्रिका का अपहरण किया, सीता का अपहरण किया और गद्दी पर बैठ गए। सर, या संदर्भात ईवीएमचं जे सध्या संपूर्ण देशामध्ये गाळा पसरले, पण त्याच्याबद्दल शंका देखील व्यक्त केली जाते, अनेक ठिकाणी ईवीएमची शंका कसला घोटाळा जाय तो। या देशामध्ये भारतीय जनता पक्ष निवडणुकीच्या मार्गानं, सरळ लोकशाहीच्या मार्गानं कोणती निवडणूक जिंकू शकणार नाही, जिंकू शकत नाही। ईएम हटी बीजेपी गई,
ईव्हीएम आहे तो मोदी है। आपण काल पाहिलं असेल दोन गोष्टी या देशात अत्यंत भयंकर पद्धतीने घडल्या ज्या या देशाच्या लोकशाहीला आणि परंपरेला अत्यंत कलंकित करणार आहेत। चंदीगड महापौर पदाच्या निवडणुकीत आप आणि काँग्रेसचं पूर्ण बहुमत असताना 20 हां आणि आप आणि बीजेपी मला वाटतं 14 आणि मतदान हे आप आणि काँग्रेसच्या युतीच्या बाजूने झालेल्या 20 नगरसेवकांचं, तरीही त्या पीठासीन अधिकाऱ्याच्या खुर्चीवर बसवलेल्या व्यक्तीनं 8 मतं बाद करून टाकली, अवैध केली 8 मतं। लक्षात घ्या, ज्या पद्धतीने ते राहुल नार्वेकरांनी आमचे आमदार अपात्र ठरवले ना, त्याच पद्धतीनं तोच फॉर्म्युला तोच पॅटर्न, 8 मतं बाद केली आणि विजयी होत असलेल्या काँग्रेस आप युतीच्या महापौराला पराभूत दाखवून बीजेपीच्या उमेदवाराला महापौर केलं। हा चंदीगड पॅटर्न लोकशाहीमध्ये भारतीय जनता पक्षानं आणलेला आहे। आम्ही आतापर्यंत सीतेचं अपहरण रावणाने केलं हे वाचून आणि ऐकून होतो रामायणामध्ये की सीतेला रावणानं पळवलं, पवित्र सीतेला, पण चंदीगडमध्ये लोकशाहीरूपी पवित्र सीतेचं अपहरण तथाकथित रामभक्तांनीच केलं। रामभक्तांनी सीतेचं अपहरण केलं लोकशाहीरूपी, या देशाने पाहिलं। हा चंदीगड पॅटर्न हे 2024 निवडणुकीच्या निकालानंतर सुद्धा वापरणार आहे अशा प्रकारे। दुसरा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे ईव्हीएम, ईव्हीएम जे चाललंय ना विरोधी